मैं आपसे ये प्रॉमिस करके चलता हूँ, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आप पूरी वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छे से उससे के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप खुद से वीडियो पूरा देखें, उसके बाद उस वीडियो को डाउनलोड करें। तो आज मैं आपको ह्यूमन इवोल्यूशन की ट्रिक बताऊंगा, जो नीट में क्वेश्चंस आए हैं उसको करवाऊंगा। तो वीडियो को देखते चलिए, एंड तक देखिएगा, उसके बाद डाउनलोड कीजिएगा अच्छा लगे तो। क्वेश्चन पूछ लेता है, ब्रेन कैपेसिटीज पे क्वेश्चन आते हैं और ऑर्डर आ जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो ऑर्डर में क्या पूछ लेता है, जैसे होमो हैबिलिस हैबिलिस, ठीक है, होमो होमो इरेक्टस इरेक्टस, ठीक है, फिर होमो नियंडरथल नियंडरथल, ठीक है, फिर होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ट्रिक क्या है, हैंड्स। आपको रेड पेन से मैंने लिख ही दिया था, चमक ही गया होगा। तो इसको आप इस ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका, आप इसको रिवर्स लिख लीजिएगा तो इसको याद कर सकते हैं, हैंड्स। तो एस से क्या निकलता है, होमो हैबिलिस, होमो तो सब में कॉमन है तो होमो छोड़ दीजिए। एस से क्या निकला, हैबिलिस। ई से क्या निकाला, इरेक्टस। एन से क्या निकाला, नियंडरथल। और एस से क्या निकाला, सेपियंस। यानी जो ह्यूमन की ब्रेन कैपेसिटी का राज है वो मुर्गी हैंड्स में छुपा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है इनकी ब्रेन कैपेसिटीज की। तो जो होमो सेपियंस में ब्रेन कैपेसिटी होती है 1450 cc, 1450 cc, और जो नियंडरथल में ब्रेन कैपेसिटी होती है 1400 cc, ठीक है। अब बात आती है होमो इरेक्टस में, इसमें जो ब्रेन कैपेसिटी होती है 900 cc, ठीक है। अब बात आती है होमो हैबिलिस में, जो इसमें ब्रेन कैपेसिटी होती है 650 से लेके 800 cc। तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, सीक्वेंस क्या था ट्रिक का, हैंस HENS। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, वो AIPMT 2015 का है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। तो स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, तो स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी का जो राज है वो किस किस सीक्वेंस में है, हेंस के सीक्वेंस में। यानी एच जो है होमो हैबिलिस उसमें कम होगा, फिर उसके बाद उसमें उससे थोड़ा ज्यादा होगा इरेक्टस में, फिर नियंडरथल में, फिर सेपियंस में। तो आंसर क्या जाएगा, होमो हैबिलिस। तो आंसर क्या जाएगा, बी। हाँ, तो ये तो थी हमारी ह्यूमन की ब्रेन कैपेसिटी का ऑर्डर। अब बात करते हैं हम पूरा सीक्वेंस स्टार्टिंग से एंड तक, और इस पे जो 2016 में नीट का क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊंगा। तो पहले हम पूरा ऑर्डर देख लेते हैं। तो अब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आता है अपना ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस पैथिकस, ठीक है। फिर आता है अपना जी रामा पिथिकस, आप भी अपनी बुक में ऐसे बना लीजिएगा, रामा पिथिकस पिथिकस। फिर आता है जी ऑस्ट्रेलियो पिथिकस, ऑस्ट्रेलियो पिथिकस पिथिकस पिथिकस। बाकी हमें ह्यूमन का सीक्वेंस तो याद ही था, हैंस होमो एबलिस एबलिस, फिर क्या था जी, होमो इरेक्टस इरेक्टस, साथ साथ बोलते चलिए आप लोग भी, ताकि याद हो जाए आपको। और फिर होमो नियंडरथल, ठीक है, नियंडरथल। फिर
फिर लास्ट में क्या था जी, सबसे टॉप पे क्या आता है, होमो सेपियंस। तो आपको इतना तो यहां से क्लियर हो गया। अब हमने ये तो याद कर रखा था जी कि हमने स्ट्रिक्स में हेंस याद कर रखा था, तो हमें यहां तक याद है। अब बात करते हैं ये कैसे याद हो, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। तो इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है, जो कोड है, बहुत सिंपल सा है। इसको याद करने का ट्रिक है, देखो 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 राम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से मे से मुर्गी, मुर्गी या हैंस लाया। तो इसके ट्रिक ये है, लाया। तो देखो, देखो से क्या निकाल सकते हो, देखो से निकाल सकते हैं हम ड्रायोपिथिकस। देखो देखो से क्या निकला, ड्रायोपिथिकस। राम, राम से क्या निकला, रामापिथिकस। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या निकाल सकते हो, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। हैंस, बाकी वही ऑर्डर है। तो ये थी पूरी ट्रिक कि ह्यूमन जो इवोल्यूशन हुआ है वो ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसको आप अपने टेबल में या किसी पेज पे बना लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। अब बात आती है नीट में इसके जो क्वेश्चंस आए थे, तो उस क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पूछ रहा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट। तो ऑर्डर पूछ रहा है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी हमारी, देखो राम ऑस्ट्रेलिया से मुर्गिया लाया। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, रामापिथिकस। तो इस क्वेश्चन को सबसे तेजी से करने का क्या तरीका है, सबसे तेजी से करने का तरीका, आपने ट्रिक याद करी थी, सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है हमारा रामापिथिकस। तो ABCD में देखें, किसी में सबसे पहले रामापिथिकस है फर्स्ट ऑप्शन, तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है। बी में भी रामापिथिकस है, सी सी में भी रामापिथिकस है, डी में भी ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है, तो ड्रायोपिथिकस नहीं है। अब बात आते हैं उसके नेक्स्ट ऑर्डर क्या था, रामापिथिकस। अब देखिए रामापिथिकस किस में स्टार्ट होता है, तो बी में रामापिथिकस है और सी में रामापिथिकस है, ठीक है। अब तो यानी ए और डी गलत हो गया, तो हमारा ऑर्डर के हिसाब से अब क्या था, देखो राम ऑस्ट्रेलिया, रामापिथिकस के बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस किस में है, बी में ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है। फिर उसके बाद क्या था, ऑस्ट्रेलिया से मुर्गिया लाया, हैंस होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस किस में है, बी में, और होमो इरेक्टस। और तो यानी बी जो है वो सीक्वेंस सही है। अब सी में बात करते हैं, रामापिथिकस होमो हैबिलिस, तो ये भी देखिए रामापिथिकस के बाद ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारी ट्रिक के हिसाब से, हमारी ट्रिक के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। तो ये तो मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा था, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का था। बस आपको ट्रिक याद रखनी है, और पहले एक बार आपको कंटेंट पढ़ना है, फिर अपनी ट्रिक अप्लाई करनी है, और सीधा क्वेश्चन को फिनिश करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हम लोग ऐसा होता है कि शेयर नहीं करते हैं, तो क्या होता है जो हमारा फ्रेंड्स है उसके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो होती है तो हमसे शेयर नहीं करता है, तो ये गलत है ना जी। इतना कंपटीशन है, 10-20 10-11 लाख लोग बैठेंगे पेपर देने, आप एक लोगों से कंपटीशन करने में डर रहे हो, वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, तो 10 लाख लोगों का क्या मुकाबला करोगे। तो वीडियो शेयर करो ताकि वो भी कुछ आपको शेयर करें, और किसी की मदद हो सकती है इससे। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।